मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा और पक्का जाने रहो अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो माफी देंगे। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो माफी देंगे। यहीं से बात शुरू होती है, कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है, शुरू शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर मुझको जो जवाब देना था दिए और मैंने यह आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा, एक लाइन की बात है, यह आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे, अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं, ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया, फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणिरामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो, और 1 लाख की भीड़ होगी मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उसी क्रम में मैंने कहा कि चलो राज ठाकरे साहब
उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग ले। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो। और मैं लगातार ऑप्शन पर ऑप्शन उनको दिया कि भाई आप उत्तर भारतीयों से मांग लो, फिर संतों से मांग लो, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी जी से मांग लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं कि मेरी कोई चाह नहीं है। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हैं कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिदत्त शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे, विद्यार्थी जीवन से बताइए। ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट पर मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हो जाए। पूछ लीजिए गवाही। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये एक दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो तब क्यों नहीं अब क्यों, कि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं, अभी तक ये निकले नहीं है, पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा, और पक्का जाने रहो अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। देखिए जनता मतलब जनार्दन, कहा गया जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप वही यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें। और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्रियों का भी, मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है न सत्ता पाने के लिए है न सत्ता परिवर्तन के लिए है, पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं वैसे मीडिया बुला करके वो कर दे। उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी,
और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370 जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है। लेकिन बहन जी, इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है तो नंबर दो का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है, वो डर डर करके रहता है, हमारा मानना है। तो आपका हम स्वागत करते हैं, जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए, और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहां का नौजवान भी उनको अब उतरने नहीं देगा। पहले उतर जाते, अब ना वो उतरने देगा, ना छत्तीसगढ़ उतरने देगा, ना हरियाणा उतरने देगा, ना झारखंड उतरना देगा, ना मतलब कोई प्रांत है नहीं। जम्मू कश्मीर तक से वीडियो बना करके लोगों ने भेजा है,